हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपाई। और ऑलरेडी हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं उसमें 7 प्रॉब्लम्स कर लिए गाइस, जहां पे हम लोग ये देख रहे थे कि इरेशनैलिटी ऑफ किस तरीके से प्रूफ की जाती है। तो कॉन्ट्रडिक्शन मैथड से हम प्रॉब्लम्स कर रहे थे। अब हम देखने जा रहे हैं गाइस लेवल 2 प्रॉब्लम्स, ठीक है। काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जैसे कि ये पहला प्रॉब्लम है हमारा, दैट इज़ सो दैट देर इज़ नो पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन इज रेशनल, ठीक है। तो कह रहे कोई भी ऐसा जो है एन, यहाँ पे जेड है, ये मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसके लिए कि रूट ऑफ एन माइनस वन प्लस रूट ऑफ एन प्लस वन रेशनल हो, ठीक है। ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को समझना है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर 8 रखते हैं तो ये रूट 7 हो गया, और 8 प्लस 9 मान लो रखा हमने तो देखो 3 हो गया। तो 3 प्लस रूट 7 आपको पता है कि इरेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नहीं हो पा रहा है। तो इसी तरीके से आप कोई भी एग्जांपल लोगे, व्हाट यू विल फाइंड कि ये इरेशनल आएगा, और इस बात को हमें प्रूफ करना है। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे, दैट इज़ वेरी टिपिकल, ठीक है। इसको प्रूफ करना इज़ नॉट सो ईजी। तो आप देखो किस तरीके से हम करने जा रहे हैं, जैसे कि कॉन्ट्रडिक्शन मैथड में हम करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ क्या करेंगे, रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन को हम लोग लिखेंगे ए बाई बी या फिर पी बाई क्यू, जैसा कि हम अज्यूम करते आए हैं आज तक, ठीक है, जो हमारी डेफिनेशन है। तो वैसे ही लिखते हैं यहाँ पर कि मान लिया हमने कि ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और रेशनल नंबर्स में आपको पता है कि पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। वो बेसिक सारी बातें यहाँ पर लिख लें। अब देखो व्हाट हैपेंस कि रूट एन प्लस वन रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब यहाँ पे काम करेंगे हम, इसको रेशनलाइज करना है, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू रेशनलाइज दिस, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब देखो और क्या कर सकते हैं, आप खुद ही सोचो। यही एक सिंपलेस्ट स्टेप है दैट वी कैन डू हियर, है ना। क्योंकि इस तरीके की चीज़ जब भी रहती, क्लास 9 में भी आपने देखा हो, मान लो कहीं पे रूट ए प्लस रूट बी लिखा है तो आप क्या करते हो, रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई करते हो कि नहीं करते हो। तो एग्जैक्टली सेम स्टेप हम लोग यहाँ पर उठाने जा रहे हैं, क्योंकि वही यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है जो कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखो ऊपर नीचे हम लोग इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट एन माइनस वन माइनस रूट एन प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज बेसिकली पी बाई क्यू, है ना। अब जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन माइनस ऑफ एन प्लस वन, होगा कि नहीं होगा बोलो, एन माइनस वन माइनस एन प्लस वन, ठीक है। और नीचे आपके हैं रूट एन माइनस वन माइनस ऑफ रूट एन प्लस वन इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब देखो यहाँ पे n और n कैंसिल हो चुका है और ये माइनस टू हो चुका है, ठीक है। ऊपर क्या बचा, माइनस टू, और यही चीज़ है, ये पूरा रूट एन माइनस वन माइनस रूट एन प्लस वन, ठीक है, ऐसा हो गया। अब मैं यहाँ से देखो निकाल पा रहा हूँ रूट एन माइनस वन माइनस रूट एन प्लस वन, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो, ठीक है। तो इसका मैं रेसिप्रोकल अगर ले लूँ, इस चीज़ को उल्टा कर दूँ, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, देखो अब ध्यान देना आप यहाँ पर, दैट इज़ नाउ वी कैन राइट कि रूट एन माइनस वन माइनस रूट एन प्लस वन, और ये क्यू बाई पी हो जाएगा, पी बाई क्यू था ना, उल्टा कर दिया, तो ये q बाई पी हो जाएगा, और यहाँ माइनस टू है तो इसको हमने इधर भेज दिया, तो ये आ गया। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है एंड दिस इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये बीच के स्टेप सब गायब कर देते हैं यहाँ पर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस स्टेप तक पहुँचना, ठीक है। अब इससे देखो फ़ायदा क्या हुआ ऐसा करने से, कि अब इधर रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन है, इधर रूट एन माइनस वन माइनस रूट एन प्लस वन। अगर मैं ऐड कर लूँ फर्स्ट और सेकेंड को,
अगर मैं ऐड कर दूं फर्स्ट और सेकंड को तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा 2 टाइम्स रूट एन माइनस 1 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 2 टाइम्स क्यू बाई पी, ऐसा आ जाएगा। और 2 को हम यहाँ पर फिर नीचे भेज देंगे और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आया, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हमने ऐड किया है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ दीज इक्वेशंस। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ए बी प्लस है, ए बी प्लस है, जब आप इससे इसको माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए, तब आपके पास आएगा अब सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम फर्स्ट, है ना, 2 को पहले से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, जब माइनस करोगे तो कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो गए तो ये हो गया। अब p बाई क्यू माइनस यानी प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 क्यू बाई पी। अब इस 2 को आप इधर भेज दो नीचे और ये 2 कैंसिल हो जाए तो ये आया। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, q माइनस पी। ठीक है, अब p और q हमारे इंटीजर्स हैं तो p बाई 2 क्यू है ना, ये रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल है, तो रेशनल माइनस रेशनल रेशनल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि रूट एन माइनस 1 यहाँ से आ रहा है कि इट्स अ रेशनल नंबर। ठीक है, और यहाँ से भी वही है p बाई 2 क्यू प्लस क्यू बाई, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो रूट एन प्लस 1 भी रेशनल आ गया, दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया आपने, समझ में आ रही बात। अब ये सब मैं रब कर देता हूँ, अब समझते हैं इस बात को। अब जैसे मान लो रूट में कोई चीज़ दी गई है, कोई भी इंटीजर लिखा हो, जैसे मान लो रूट 9 लिखा हुआ, तो यू नो कि इट्स अ 3 और ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, रूट 7 है तो ये एक रेशनल नंबर है, बिकॉज ये 7 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, बिकॉज 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू क्या, 3 का स्क्वायर। ठीक है, और 7 क्या, किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रूट 8 क्या है, इरेशनल नंबर, बिकॉज ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यानी कि n माइनस 1 को एक परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, समझ में आई बात, क्योंकि रेशनल नंबर आ रहा है। रेशनल नंबर कब आता है, जब परफेक्ट स्क्वायर होता है। देखो एग्जांपल, रूट 4 2 आ गया, रूट 1 1 आ गया, रूट 16 4 आ गया। ठीक है, तो ये जो अंदर का है इसे परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, तो यहाँ से क्लैरिटी के साथ हमें मिल रहा है कि n माइनस 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से आई कैन राइट कि n प्लस 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, दोनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो n माइनस 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है और n प्लस 1 भी परफेक्ट स्क्वायर, जहाँ पे n इंटीजर। अच्छा ये बताओ कि n माइनस 1 और n प्लस 1 के बीच में डिफरेंस कितने नंबर का है, कितने इंटीजर का डिफरेंस है। तो ये दोनों अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 का डिफरेंस आता है। देखो n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, ठीक है, ये n n कैंसिल हो तो 2 आया। तो 2 परफेक्ट स्क्वायर जो आ रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर्स इज 2। ठीक है, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर के बीच में यहाँ पर डिफरेंस 2 आ रहा है। अब चलिए देखते हैं हम कि परफेक्ट स्क्वायर्स के साथ क्या होता है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो एक परफेक्ट स्क्वायर 1 है, फिर जब 2 स्क्वायर करते तो 4 आता है परफेक्ट स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 25 आएगा।
तो परफेक्ट स्क्वायर का जो सबसे पहला कॉमन डिफरेंस, मतलब जो डिफरेंस है इनके बीच का, वो है 3, फिर है 5, तो देखो ये इवन, ये ऑड नंबर्स में बढ़ रहा है, फिर 7 है और ये 9 है और अब पक्का 11 होगा 36 में। तो मतलब कि इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर के डिफरेंसेस होते हैं, ये हमेशा जो है बढ़ने ही वाले, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, ऐसे ऑड नंबर्स में इनके डिफरेंस आते हैं। तो जो मिनिमम डिफरेंस पॉसिबल है वो 3 है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर्स इज कमिंग आउट टू बी 2। अब आप सोचो क्या ऐसा पॉसिबल है, इज दिस पॉसिबल? तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जो रियलिटी में हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर के बीच के जो डिफरेंसेस को अगर हम एनालिसिस करते हैं गाइस, सो व्हाट वी फाइंड आउट कि 2 तो आता ही नहीं कभी भी किसी भी परफेक्ट, इसका मतलब कि फिर हम इस रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते इसका मतलब फिर ये रेशनल नंबर नहीं है, दिस इज़ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो नोट डाउन करिए आप इसको एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव इंटीजर सो दैट रूट टू ऑलवेज लाइज बिटवीन ए बाई बी एंड ए प्लस टू बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पर हमें क्या शो करना है कि रूट टू जो है हमेशा इनके बीच में लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब हमें ये नहीं मालूम है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है ना, वी डोंट नो दिस कि a बाई बी और a प्लस टू बी अपॉन ए प्लस बी में कौन सा नंबर जो है बड़ा है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि a प्लस टू बी बाई a प्लस बी इससे बड़ा हो, या ऐसा हो सकता है कि a बाई बी इससे बड़ा हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट कि a बाई, तो केस वन हम लोग यहाँ ले रहे हैं, देखो केस वन कि a बाई बी जो है वो बड़ा है a प्लस टू बी बाई ए प्लस बी, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। तो अगर ऐसा हम लोगों ने मान लिया है तो दैट इम्प्लाइज कि a बाई बी जो है वो बड़ा होगा रूट टू से, और रूट टू बड़ा होगा a प्लस टू बी अपॉन a प्लस बी से। तो ये प्रूफ करना होगा हमें। केस वन में वी हैव अज्यूम्ड कि a बाई बी जो है वो a प्लस टू बी अपॉन a प्लस बी से बड़ा है, ये हमने माना है, और फिर हमें प्रूफ करना है कि a बाई बी इज़ ग्रेटर दैन रूट टू एंड रूट टू इज़ ग्रेटर दैन a प्लस टू बी बाई a प्लस बी। तो देखो करेंगे क्या हम लोग, पहले हम लोग ये मान रहे हैं कि a बाई बी इससे बड़ा है, तो इसका मतलब कि दिस इज़, ये स्टेटमेंट ले के हम साथ चलेंगे कि a बाई बी जो है वो ग्रेटर दैन रूट टू है, एंड वी विल प्रूव विद द हेल्प ऑफ दिस कि रूट टू इज़ ग्रेटर दैन दिस, और ये तो हमने अज्यूम किया है, तो ऑब्वियसली ये इसके बीच में लाई कर जाएगा। क्या बात समझ में आई? हमने क्या बोला कि a बाई बी जो है इससे बड़ा है, a प्लस टू बी अपॉन a प्लस बी से ये बड़ा है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब जब ये मान के चल रहे हैं तो ये वाला पोर्शन लेके हम स्टार्ट करेंगे कि ये इससे बड़ा है, और अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये भी इससे बड़ा है इसी के हेल्प से, तो फिर क्या होगा, देन वी विल बी एबल टू प्रूव दैट कि ये नंबर इन दोनों के बीच में लाइए। मान लो हम ये लेके चलते हैं और हम ये बात नहीं प्रूफ कर पाते हैं कि ये इसके बीच में, ये इससे बड़ा है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहले ही मान लिया कि a बाई बी इज़ ग्रेटर दैन रूट टू बी। तो अब स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग कि a स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 2 टाइम्स b स्क्वायर। ठीक है, ये कर लिया हम लोगों ने, a स्क्वायर ग्रेटर दैन 2b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब ए स्क्वायर तो है हमारे पास, अब हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड करेंगे दोनों तरफ। क्या ऐड करने जा रहे हैं, ए स्क्वायर, अब देखो आई वांट कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए और टू टाइम्स जो है ए प्लस टू बी का होल स्क्वायर बन जाए। ठीक है, वो बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ए स्क्वायर यहाँ पे 2b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर और 2b स्क्वायर ये दोनों ऐड करना पड़ेगा मुझको, a स्क्वायर
ऐड किया प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर ऐड किया, ठीक है, इसी में 2b स्क्वायर पहले से है तो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ऐड किया है प्लस 4ab ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर भी 4ab ऐड कर रहे हैं, ऐसा किया, समझ में आया क्या किया? देखो ए स्क्वायर था उसमें एक तो ए स्क्वायर प्लस ये 2b स्क्वायर पहले से हमारे पास, देखो यहाँ पर हमने क्या किया ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ऐड किया और इधर भी ऐड किया, फिर 4ab एक ऐड किया, 4ab इधर भी ऐड किया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, बात तो यही आ रही सामने की, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अभी आप देखोगे कि दिस इज 2a स्क्वायर बन गया, ये 2b स्क्वायर बन गया और ये 4ab बन गया, ठीक है, ऐसा बन गया, ये ध्यान देना गाइस। अब दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज 4b स्क्वायर, दिस इज 4ab, ठीक है। अब यहां से देखना, दिस इज 2 टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब हमने 2 कॉमन लिया तो ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो दिस इज 2 टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या बना ए प्लस 2b का होल स्क्वायर, ऐसा बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, है ना? देखो यही हम सोच ही रहे थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे और ए प्लस 2b का होल स्क्वायर बनाएंगे, उसलिए ऐसे चीजों को यहां पर ऐड किया गया, ठीक है। लेट मी सी कि अभी नीचे दिख रहा है कि नहीं, हाँ है, अभी स्पेस इज देयर। तो अब देखो क्या करेंगे, इसको अगर मैं नीचे भेज देता हूँ क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इससे हम डिवाइड कर सकते दोनों तरफ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाता है, अब मैं इधर लिखता हूँ गाइस, इसको रब कर देता हूँ ऊपर वाली लाइन ने, ये स्टेप जो भी किया था हमने, ठीक है, अब ये कट गया एंड नाउ दिस इज 2 ग्रेटर देन ए प्लस 2b का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब हम रूट ले सकते दोनों तरफ, तो रूट 2 ग्रेटर देन आ चुका है ए प्लस 2b अपॉन ए प्लस बी। अब यहाँ से हमने ये लिया था कि a बाई बी इज़ ग्रेटर दैन रूट 2, और यहाँ से हम सो कर पा रहे हैं इसी की हेल्प से कि रूट 2 इज़ ग्रेटर दैन दिस, और ये हमने अज्यूम ही किया था कि a बाई बी इज़ ग्रेटर दैन, तो क्या आपको नहीं दिख रहा है कि ये चीज़ हो गई है इन दोनों इनइक्वालिटीज से, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारी और ये हमारी सेकेंड इनइक्वालिटी, दोनों को कंबाइन करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि a बाई बी रूट 2 से बड़ा है, ये बोल रहा है कि रूट 2 बड़ा है इससे, एंड ऑलरेडी हम जानते हैं कि वो इससे बड़ा है तो बीच में आ चुका है ये, तो बस ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरीके से दूसरा केस भी करेंगे, जब हम अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, देखो अब इसको मैं रब कर देता हूँ, यू मस्ट, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर अपने आप से करना है गाइस, दे आर गोइंग टू एक्सपैंड योर थिंकिंग, है ना, उसकी हेल्प से आप सोचने का जो आपका तरीका है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे बात ये है कि आपका सोचने का जो तरीका है दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज। अब हम क्या मानने जा रहे हैं, इसको इधर रखेंगे एंड वी आर गोइंग टू अज्यूम कि ये इससे बड़ा है, ठीक है, ये मान रहे हम लोग। तो यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि प्रूफ क्या करना है, ए प्लस 2b अपॉन ए प्लस बी, बीच में होगा रूट 2 और इधर है a बाई बी, तो हम देखो चलेंगे यहाँ से, ठीक है, हम कहाँ से चलेंगे, हम ये शो करेंगे कि जो a बाई बी है
उससे बड़ा है रूट टू, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे गाइस, तो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू बी स्क्वायर। ये कर लोगे, इसको इधर भेज दो, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इंटीजर, तो यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड द इनइक्वालिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। फिर उनका स्क्वायर करोगे तो इनइक्वालिटी काम करेगी आपकी। अब हम दोनों तरफ ए स्क्वायर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्टेप्स लेने, ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर लेना है। ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर मैंने ऐड कर लिया टू बी स्क्वायर। फिर और क्या ऐड करते हैं, फोर ए बी, फोर ए बी भी ऐड कर लिया, एग्जैक्ट सेम स्टेप्स, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, अब ये क्या बना, देखो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 4ab 2 कॉमन ले लो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। और ये क्या है, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली 2 टाइम्स a प्लस b का होल स्क्वायर, एंड दिस टाइम दिस इज लेस दैन, और ये है हमारा a प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया है, एंड इधर लिख देता हूं मैं, तो रूट ले लो, तो इट इज कमिंग दैट कि रूट टू से बड़ा है a प्लस टू बी अपॉन a प्लस बी। तो अब आप खुद ही देख लो, a प्लस टू बी अपॉन a प्लस बी से बड़ा है रूट टू, और रूट टू इज ग्रेटर देन a बाई बी। ठीक है, तो प्रूव हो गया, तो जो हम चाहते थे दोनों केसेस लेकर हम लोगों ने प्रूव किया है। नोट डाउन दिस, ट्राई टू डू दिस प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चलिए बढ़ते हैं गाइज और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बी पॉजिटिव रेशनल सच दैट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी, देन आइदर ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, और बी एंड डी आर स्क्वायर ऑफ रेशनल्स। ठीक है, तो ये काम हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, कि ए बी सी डी अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं तो ये या तो हमें ये दिखाना है कि ए और सी बराबर हैं तो बी और डी भी बराबर हैं, या फिर बी और डी सारे स्क्वायर्स हैं रेशनल नंबर्स के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले स्टेप से, कि जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, दैट इज़ ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी। ठीक है, लिख लिया आपने। अब हम अज्यूम कर लेंगे गाइस, कि एक पार्ट अज्यूम कर लेंगे कि ए इज इक्वल टू सी, है ना, ये मान लिया हम लोगों ने। अगर ऐसा मानने से बी इज इक्वल टू डी हो जाता है तो काम बन गया हमारा, तो वी आर गोइंग टू अज्यूम कि चलो भाई ए इज इक्वल टू सी। अब आप कह रहे हो कि ए और सी बराबर है, तो इसका मतलब ए और सी कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी कि फिर हमारे पास क्या बचेगा, रूट बी इज इक्वल टू रूट डी। अब हम दोनों को स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि b इज इक्वल टू डी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया, हमने क्या किया a और c को बराबर किया, तो यहाँ पे भी c लिख दिया, फिर c कैंसिल हो गया, फिर रूट b इज इक्वल टू रूट डी आ गया, अब b इज इक्वल टू डी लिख लिया, तो पहला पार्ट ये प्रूव हो गया कि अगर a बराबर c है तो b बराबर d भी है। ठीक है, दिस इज हाउ वी प्रूव द थिंग्स। अब कह रहे हैं कि चलो सेकेंड पार्ट, भाई दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ए सी के बराबर हो या तो ए सी के बराबर ना हो। तो फर्स्ट पार्ट में हमने माना था ए इक्वल टू सी, तो वहाँ से प्रूव हुआ बी इज इक्वल टू डी। दो ही चीज़ें हैं मैथ के अंदर, या तो दो नंबर्स बराबर हैं या तो दो नंबर्स बराबर नहीं हैं, कोई तीसरी चीज़ तो नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रही, तो ये वाली बात हमने मान ली कि ए और सी बराबर है, तो फिर प्रूव हो गया बी और डी बराबर है। ठीक है, क्लियर है, तो एक पार्ट प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि ए और सी बराबर नहीं है। ठीक है, क्लियर, तो अब अगर ए और सी बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि अगर सी में मैं कोई और एक रेशनल नंबर जोड़ दूं
तो उसके बराबर होगा। भाई अगर ए और सी बराबर नहीं है, मान लो टू और वन बराबर नहीं है, तो वन तो ऐड कर सकता हूँ ना मैं इधर, तब तो बराबर हो जाएगा। तो एक्स कोई रेशनल है जिसको हम ऐड कर रहे हैं सी के साथ, सो दैट कि अब ए और सी बराबर हो जाएं। ठीक है, तो अब मैं ए की जगह लिख सकता हूँ सी प्लस एक्स इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी, सी प्लस एक्स और ये रूट बी। ठीक है, अब सी सी कैंसिल, नाउ व्हाट आई हैव कि रूट बी प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट डी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रूट बी प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट डी, अज्यूमिंग एक्स इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है, सी सी कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या अज्यूम किया कि ए और सी बराबर नहीं, इसलिए ए जो है सी प्लस समथिंग है, तो वो सी प्लस समथिंग ए की जगह रख दिया, सी सी कैंसिल हो गए, ये इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू स्क्वायर दिस। सो दिस इज बी, रूट बी का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, बी आएगा। दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज टू एक्स रूट बी एंड दिस इज इक्वल टू डी। तो बी रूट बी का स्क्वायर इज बी, एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स रूट बी इन टू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू डी। अब देखो यहाँ पर ये रूट बी, कोई चीज़ जो रूट में है वो ये बी है, बाकी चीज़ों को एक तरफ कर लो। तो टू एक्स रूट बी इज इक्वल टू डी माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट बी इज इक्वल टू डी माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स। तो रूट बी इज इक्वल टू डी माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स। अब देखो यहाँ पे डी अगर रेशनल है, बी रेशनल है, एक्स का स्क्वायर रेशनल है, टू एक्स का स्क्वायर रेशनल है, तो ये सारा रेशनल हो गया। तो यानी कि यहाँ से प्रूव होता है कि रूट बी इज रेशनल। समझ में आया रूट बी क्यों रेशनल है, क्योंकि ये सब रेशनल है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड रेशनल है तो रूट बी को भी रेशनल होना पड़ेगा। तो ऐसे सिनेरियो में रूट बी कब रेशनल हो सकता है, जब बी जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो बी इज अ स्क्वायर ऑफ रेशनल, तभी तो रेशनल आएगा रूट लगाने पर। तो बी इज अ स्क्वायर ऑफ रेशनल, ये प्रूव हुआ, बी इज अ स्क्वायर ऑफ रेशनल, दिस इज व्हाट वी गॉट। अब देखो ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है इसको लेके आते हैं, और यहाँ पे रूट बी प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट डी। अब रूट बी रेशनल हो चुका है, एक्स रेशनल हो चुका है, तो आई कैन से कि रूट डी भी जो है, रूट डी भी रेशनल है। तो रूट डी अगर रेशनल है तो आई कैन राइट कि डी इज अ स्क्वायर ऑफ रेशनल। ठीक है, प्रूव हो गया ये बात। सो दिस वे वी आर एबल टू प्रूव कि बी एंड डी, देखो बी इज अ स्क्वायर रेशनल, डी इज अ स्क्वायर ऑफ रेशनल। तो इस तरीके से प्रूव हो गया कि बी एंड डी आर स्क्वायर्स ऑफ रेशनल। तो क्लियरली यहाँ पर ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी है। अगर ए और सी इक्वल नहीं है तो फिर हम लोगों ने इस तरीके से इन सारी बातों को प्रूव किया। तो नोट डाउन गाइस दिस एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा पी बी रेशनल नंबर्स सच दैट पी जो है इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इफ ए प्लस बी टाइम्स पी की पावर 1/3 प्लस सी की पावर पी की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, प्रूफ करना अलग बात है, क्वेश्चन को समझना इज अ डिफिकल्ट डिफरेंट थिंग। तो कह रहे कि पी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। पी अगर एक परफेक्ट क्यूब नहीं है तो आपको ये समझना होगा कि पी की पावर 1/3 जो है एक इरेशनल नंबर होगा, और p की पावर 2/3 भी एक इरेशनल नंबर होगा, है ना। अगर मान लो 20 क्यूबिक रूट ऑफ 27 है और ये एक परफेक्ट क्यूब है,
तो फिर क्या होगा? फिर होगा कि 3 रेशनल आ जाएगा, 3 की पावर 2/3 यानी कि ये आपका मींस 3 की पावर 27, एक सेकेंड, अब समझना, 27 की पावर 3/3, 27 की पावर 2/3 एंड 27 की पावर 3/3, ये सारे रेशनल होंगे। अब देख लो, ये 3 है, ये 9 है और ये तो हाई 27, ये सारे के सारे क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। लेकिन अगर ये परफेक्ट क्यूब ना हो तो ना तो ये रेशनल है 1/3, ना ही 2/3 रेशनल होगा। ये बात आपको समझनी है, ठीक है? इसलिए ऐसी चीज़ यहाँ पे दी गई है, यानी कि अब हम क्या बोल पाएंगे इसकी मदद से कि p की पावर 1/3 या फिर एंड p की पावर 2/3 आर इरेशनल, ये हम यहाँ से बोल पाएंगे, ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि हम ये बोल पाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है कि हम इन्हें इरेशनल बोलेंगे, क्योंकि इट इज़ गिवेन कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं। तो क्या कह रहे, प्रूफ क्या करें? कह रहे अगर ये जीरो है तो इसका मतलब है कि ए को भी जीरो होना पड़ेगा, बी को भी जीरो होना पड़ेगा और सी को भी जीरो होना पड़ेगा, तभी ये जीरो होगा, ठीक है? तो ये प्रूफ करना है। तो चलो देखो, एक काम करेंगे हम लोग, अब कैसे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। तो हम इसको जो फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट लिख लेते हैं और p की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी इक्वेशन को, ऐसे a p की पावर 1/3, b जब p की पावर 1/3 से इसको एक बार और मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा c p की पावर 1/3 से करोगे तो cp इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये एक और इक्वेशन आ जाएगी। पहली वाली इक्वेशन को हम लोग b से मल्टीप्लाई करेंगे, जो पहली वाली इक्वेशन है उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर पी की पावर 1/3, और किससे कर रहे थे? b से कर रहे थे, तो बी सी पी की पावर 2/3 पी हो जाएगा, ये है ना 1/3। अच्छा ये करेंगे, वन सेकेंड, इसको b से किया, ये बी स्क्वायर बी से किया ना केवल, तो बी स्क्वायर और यहाँ पर बी से किया तो पी की पावर 2/3, ये इतना रख लो आप। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे इस वाली इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई करके, यानी कि माइनस किया और यहाँ सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो इसमें सी से करो, ए सी पी की पावर 1/3 सी से किया तो बी सी पी की पावर 2/3 और c से किया ना तो c स्क्वायर p एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों ही 0 है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा, ठीक है? यहाँ तक का सही है। अब देखना एक चीज़ यहाँ पर, b स्क्वायर p की पावर 1/3 और ए सी पी की पावर 1/3, इन दोनों को एक साथ कर लो तो हम लिखेंगे b स्क्वायर माइनस ए सी इंटू पी की पावर 1/3, ठीक है? समझ रहे हो, आराम आराम से कर रहे हैं हम लोग। अब ये और ये देखो कैंसिल हो गए, बी सी और बी सी, ठीक है? इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया था यहाँ पर, प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको 0 होना है, ये इरेशनल नंबर है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये 0 होने के लिए बी स्क्वायर माइनस ए सी को 0 होना पड़ेगा एंड ए बी माइनस सी स्क्वायर पी को 0 होना पड़ेगा, ठीक है? तो या तो इसको, मतलब दोनों को ही, या तो नहीं चलेगा, एंड है, ये 0 होगा और ये 0 होगा तभी, ठीक है? समझ में आ रही बात? तो इतना काम हम लोगों ने कर लिया। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी है कि नहीं, बी स्क्वायर इधर भेज दिया। अब इसमें कुछ खुराफात काम करते हैं हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर ए सी हम यूज़ करना चाहते हैं तो इसको स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर
सी की पावर 4 और पी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे ए सी, बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे, तो ए क्यूब सी, तो ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब एक तरफ ये सबको कर लो, ए क्यूब सी माइनस सी की पावर 4 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। अब सी कॉमन ले लो यहाँ से, और दूसरा है ए क्यूब माइनस सी क्यूब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सारे स्टेप आई होप कि आपने लिख लिए होंगे गाइस। अब इनको हम रब करेंगे, ठीक है। गिवेन क्या है हमारे पास अभी तक कि बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, ये एक इम्पॉर्टेंट है बात, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से हम लोग इधर की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पे c टाइम्स a क्यूब, उसको भी मैं रब कर दूंगा, इसलिए उसको नोट कर लो आज जितने भी स्टेप्स हैं, ठीक है। ये 0 है, अब इतना काम का है मेरे पास चीज़ें। अब ध्यान से देखना, अब दो फैक्टर्स हैं एंड दिस इज इक्वल टू 0, जैसे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 होता है, तो क्या लिखते हैं हम लोग कि x इज इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, मतलब क्या हुआ, x माइनस ए को 0 बोलते हैं या फिर x इक्वल टू एक्स माइनस बी को 0 बोलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी देखो, दो फैक्टर इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब c इज इक्वल टू 0 और फिर ए क्यूब माइनस सी क्यूब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हुआ कि सी क्यूब पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब बाय सी क्यूब, तो p की पावर 2/3 क्या हो गया, a बाय सी। अब p की पावर 2/3 इरेशनल है, p की पावर 2/3 इरेशनल है, और यहाँ पर a बाय सी रेशनल है, बिकॉज a b c p सब रेशनल नंबर है, तो a बाय सी भी रेशनल होगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब फिर दो है ना कंडीशन, या तो ये 0 या तो ये 0, तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि c इक्वल टू 0। तो अब ये प्रूफ हो गया कि c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो, तीन चीज़ों को 0 करना है, एक चीज़ 0 हमने प्रूफ कर लिया है कि c इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड एक और इक्वेशन हमारे पास थी, दैट इज़ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब सोचो, c अगर 0 है तो दैट इम्प्लाइज कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू 0, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो दैट इम्प्लाइज कि b भी 0 होगा फिर। अब b भी 0 प्रूव हो गया है। अब हम अपने पहली इक्वेशन में चलते गाइस, और वहाँ पे लिखते हैं कि a प्लस बी पी की पावर 1/3 प्लस सी की पावर पी की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0, ये भी तो गिवन है। अब यहाँ पे क्या है कि b 0 है, c 0 है, तो ये 0 हो गया, मतलब a प्लस 0 प्लस 0 इज 0, तो ऑब्वियसली a इज इक्वल टू 0, तो हैंस अगर ये 0 है, क्योंकि देखो तभी तो a भी 0 है, हैंस a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये भी चीज़ हम लोगों ने प्रूफ कर ली है। अब हम लोग सॉल्व प्रॉब्लम्स में एक और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे एंड देन वी विल मूव फर्दर। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज़ लास्ट प्रॉब्लम है ये, फिर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप कि आप हर एक क्वेश्चन अच्छा समझ रहे हैं गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स, ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर x हो, हमें प्रूफ करना है देयर एग्जिस्ट एन इरेशनल नंबर y सच दैट जो 0 जो है और x के बीच में जो है y
लाई करता है, ठीक है. प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एन इरेशनल नंबर वाई सच दैट वाई लाइज बिटवीन जीरो एंड एक्स. तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर एक्स है, वो पॉजिटिव है ना, तो जीरो और एक्स के बीच में एक इरेशनल नंबर हमेशा एग्जिस्ट करता है. मतलब चाहे जितना छोटा मैं रियल नंबर ले लूँ, हमेशा जीरो और उसके बीच में एक इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है. ये हमें प्रूफ करना है, ठीक. अब देखो, क्योंकि ये रियल नंबर एक्स है, तो अब जो आपको पता ही है कि जो रियल नंबर हो सकता है एक्स, वो दो चीज़ें हो सकता है. या तो एक्स इज रेशनल और इरेशनल, दो ही चीज़ें तो हो सकती हैं. एक्स रेशनल हो सकता है या फिर इरेशनल हो सकता है. तो केस वन हम लोग लेने जा रहे हैं जब हम बोल रहे हैं कि एक्स इज इरेशनल. क्या ले रहे हैं? कि एक्स इज इरेशनल, ठीक है. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, ठीक है. एक सेकेंड, तार सही कर लूँ मैं. ठीक है, तो x अगर इरेशनल नंबर है, ध्यान देना गाइस, अगर x एक इरेशनल नंबर है, तो फिर x को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं या 3 से डिवाइड कर दूं, तो इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय रेशनल क्या होगा? वो भी एक इरेशनल होगा कि नहीं? अब मुझे आप बताओ, x और x बाय 2 में कौन बड़ा होता है? तो ऑब्वियसली x इज ग्रेटर दैन x बाई 2 एंड x बाई 2 इज ग्रेटर दैन 0 बिकॉज x इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है. तो x इज ग्रेटर दैन x बाई 2 इज ग्रेटर दैन 0 एंड x बाई 2 इज इरेशनल बिकॉज x इज इरेशनल, इरेशनल डिवाइडेड बाई रेशनल इज इरेशनल. तो x ग्रेटर दैन y ग्रेटर दैन 0, ठीक है. तो क्या इसी बात को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि 0y greater than x? तो ये प्रूव हो गया गाइस, केस वन इज प्रूव्ड. केस टू में हम लोग क्या ले रहे हैं? मानते हैं कि x जो है रेशनल है. तो x इज रेशनल, केस टू में हम लोग बोल रहे हैं कि x जो है वो रेशनल है. तो समझना भाई, तो x अगर रेशनल है, तो इस बार हम लोग क्या करें कि रेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल कर दें. अब रूट टू इज़ ग्रेटर दैन वन, तो इससे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे वन से बड़े नंबर से, तो ये क्या हो जाएगा? छोटा ही होगा. पहले तो बात ये है कि ये इरेशनल है. क्यों इरेशनल है? क्योंकि रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करो तो वो इरेशनल हो जाता है, ठीक है. तो एक्स बाई रूट टू इज़ इरेशनल. फिर से वही बात हो गई कि जो हमारा एक्स है वो बिगर दैन है एक्स बाई रूट टू से, एंड दिस इज ग्रेटर दैन 0. ये अब एक वाई है, तो एक्स इज ग्रेटर दैन वाई इज ग्रेटर दैन 0. तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 0 इज ग्रेटर दैन वाई इज ग्रेटर दैन एक्स. तो दोनों केसेस में दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक्स इरेशनल हो सकता है या तो एक्स रेशनल हो सकता है. दोनों केसेस में हमने प्रूफ किया है कि एक इरेशनल नंबर लाई करता है 0 और एक्स के बीच में. ध्यान देना गाइस, जब ये इरेशनल हो, तो वन से किसी भी बड़े रेशनल नंबर से आपको इसको डिवाइड करना है. जब आप एक्स को रेशनल मान रहे हैं, तो उस समय आप जो इरेशनल नंबर से इसको डिवाइड करो, विच इज़ बिगर दैन वन, ठीक है. फिर आप आराम से इसको प्रूफ कर पाओ. चलो, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग अब सॉल्व प्रॉब्लम्स करेंगे. एंड यू विल फाइंड दैट कि अनसॉल्व प्रॉब्लम्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे 1.5 की, लेकिन यू विल फाइंड कि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं गाइस. अगर पूरी बुक देखी जाए क्लास टेंथ की, अगर पूरे क्लास टेंथ के कोर्स में देखे जाए, तो दिस इज़ द बेस्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो कि हमारी थिंकिंग को बढ़ा रहे हैं गाइस. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनकी प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझो हर एक स्टेप को, कि क्यों कोई स्टेप किया जा रहा है, बिकॉज इसके पीछे बहुत मैथ्स छिपी हुई गाइस. There is lot of thinking involved in solving such problems. ठीक है, आप अगर उनको सीखोगे, तो higher classes में जब आप mathematics पढ़ोगे 11th 12th में, this is going to be very very useful. आप JEE की preparation करने जा रहे हो, तो वहाँ पर भी इस तरीके के जो steps हैं यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, जो
जो थिंकिंग हमारी डेवलप हो रही है, जो कैनवस ऑफ थिंकिंग बढ़ रही है, वो ज़रूर आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।